जो इंसान मेहनत करके पैसे कमाता है और उस पैसे के लिए मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, तब जाकर के उसको उस पैसे की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि मैं इस पैसे को कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसा बहुत आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा आकर के डायरेक्ट डिलीवरी कर दिया, नेम फेम है, पब्लिक तो है ही, आपको देखेगी, पैसे कमाओगे। जब आसानी से पैसे जब हमारे पास आते हैं तो हम उस पैसे का कद्र भी नहीं करते हैं और उस पैसे का मिसयूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, कोई गलत चीज़ों में हो, ड्रग्स में हो, नशा में हो। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें सलमान खान किस तरह से मीडिया में एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, एक ऐसा मोमेंट हो जाता है जिस कारण से सलमान खान काफ़ी एरोगेंट हो जाते हैं, मतलब अपने आपा से बाहर चले जाते हैं कि मैं एक उस वक्त शायद एक स्टार होंगे, लेकिन उस वक्त वो भूल जाते हैं कि मैं एक स्टार हूं और भीड़ को धक्का देते हुए किस तरह से वो अपने आप को दिखाते हैं कि आई एम अ एटीट्यूड मैन, मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय आप जरूर देना। दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं, उस वीडियो में तो हद हो गई। एक छोटा सा अवार्ड शो है मुंबई में, कहीं छोटा सा अवार्ड शो हो रहा था, किसी ने एक छोटा मोटा अवार्ड जीता होगा मे भी। जब उसे स्टेज पे बुलाया जाता है और उसे होस्ट कौन कर रहा था, सलमान खान, और थोड़े देर बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो इंसान ये बोलता है कि क्या करूं, आप लोग 6 घंटे बैठा के रखते हो तो यही हालत होती है। तो कितना एरोगेंट होकर के सलमान खान उस भरी महफिल में उस इंसान के साथ कैसी बर्ताव करता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू, सभी दे रहे हैं जी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि सलमान खान की असली रूप क्या है। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहाँ पे सलमान खान कहीं से आ रहे होते हैं, तो एक फॉलोअर्स जो है वो उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए काफ़ी क्रेज़ी था, वो उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता था, सेल्फी लेना चाहता था। जैसे उस बंदे ने उनके आगे आकर के सेल्फी लेने की कोशिश की तो सलमान खान ने क्या करी, आइए इस वीडियो में देखते हैं। अरे वाह भाई, सलाम अलैकुम। अब आपको अपनी राय देनी है इन सारे वीडियो पे, क्योंकि जनता जनार्दन है, मेरा बस काम है आपको सच्चाई से अवगत कराना और आपका काम है जागरूक होना। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही होती है जहां पे कुछ पब्लिक लोग, क्राउड होता है, वहां पे सलमान खान होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसी बीच में एक ऐसा माहौल बनता है जहां पे उस लेडीज के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो किस तरह से वो लेडी अब्यूज करती है सलमान खान को, देखते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है सच में आपको ऐसा लगेगा कि अगर किसी इंसान को पैसे अगर आसानी से मिल जाते हैं तो उसकी वो अहमियत, उसकी वो वैल्यू नहीं समझता है। आज यही वीडियो ये दर्शाती है। इस वीडियो में सलमान खान ये बोलते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर हूँ, चाहे मैं उस पैसे को जलाऊं, चाहे मैं उस पैसे को फाड़ूं, या तो मैं उस पैसे को नाच में उड़ाऊं। कैसी वाहियात टिप्पणी करी है इन्होंने, आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर इस विषय में बात करते हैं। रेज मनी, आई एम एन एक्टर, अब मैं उस पैसों को जलाऊं, फाड़ूं, नाच में उड़ा दूं। दोस्तों, ये सारी वीडियो क्या दर्शाती है, सलमान खान के कौन से रूप को दिखाती है, ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन मेरा सलमान खान को स्पेशली मैसेज है, इस दुनिया में आए क्या लेके जाओगे, इज्जत, मान सम्मान, ये लेके जाओगे। किसके साथ क्या करा है, किसके साथ कैसी वाहियात व्यवहार की है, ये सारी चीजें ऊपर जब जाओगे तो क्या जवाब दे पाओगे। दुनिया में आए थे खाली हाथ, खाली हाथ जाओगे,
लेकिन इस दुनिया में आए तो इज्जत मान सम्मान मर्यादा अगर नहीं पाया, हमेशा दूसरों की गाली बात चौरचर ट्रॉल ये सब अगर सुन करके इस दुनिया से जब जाओ तो क्या मुंह लेके जाओगे, ऊपर भी जाओगे तो क्या लेके मुंह जाओगे। तो इसलिए हमारा मैसेज है कि जब तक इस समाज में रहें, इस दुनिया में रहें, तो हमेशा एक दूसरे की इज्जत सम्मान करें, अपने आसपास एक ऐसी माहौल बना करके रखें जिससे कि आपसे पूरा समाज खुश हो। हमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना इन सारे टॉपिक पे, लेकिन इतना ज़रूर बोलना है कि आप जो हो दुनिया के सामने वही दिखाओ, जो आप नहीं हो उसे झूठ बना करके दुनिया के सामने मत दिखाओ कि मैं ऐसा हूं लेकिन मैं और इससे भी अच्छा हूं। आप जो हो, जैसे विचार के हो, जैसी आपकी सोच है, इस दुनिया के सामने वही रखो, दुनिया को वही दिखाओ कि मैं इस कैटेगरी का इंसान हूं। और ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।